अब इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे इफ और एल्स इफ और इफ एल्स के बारे में, ठीक है। तो अब इसका काम आप सिंपल से इस तरह से समझ सकते हो कि हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे फैसले आते हैं जिसके ऊपर हम लोग ये सोचते हैं कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। मतलब आप कभी शॉप पर गए, आपने सोचा कि भाई मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है और चलो अगर ये चीज़ नहीं मिली तो फिर मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से समझो। तो सबसे पहला प्रोग्राम हमारे पास, आप इस तरह से ये देखो कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे और यूज़र को बताएंगे कि भाई आपने जो नंबर इनपुट किया है वो 100 से कम है या 100 से ज़्यादा है। तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो प्रोग्राम्स बनते हैं उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इफ एल्स इफ, इफ एल्स इस तरह का जो काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, पहले वो देख लो, वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्योंकि हम लोग हमेशा यही देखते हैं ना कि यार अगर मेरे पास ये काम नहीं हुआ तो ही मैं ये काम करूँगा, अदरवाइज़ चलो मतलब प्रायोरिटाइज हम लोग करते हैं कि भाई अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो उसके लिए कुछ फंक्शंस हैं, ए इस लेस लेस देन के लिए हम लोग लेस देन का सिंबल यूज़ करते हैं, या पढ़ लो ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये हमें जो है वो बताता है कि भाई जो आपके पास दो वैल्यूज़ हैं जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, जो दो कंडीशंस हैं जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या है। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाता है, मतलब कि ए इज़ लेस देन द अदर नंबर, द अदर थिंग, सो द आंसर इज़ वन, ठीक है। मतलब ये ट्रू फॉल्स की कंडीशन है कि अगर हमारे पास लेस देन वाली चीज़ पूरी हो गई तो ट्रू, ग्रेटर देन वाली पूरी हो गई, इस तरह से। आप लोग अभी इसको आगे देखना। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सी आउट इंटर अ नंबर, इसको हम लोगों ने स्टोर करवा दिया नम नाम के वेरिएबल में। सबसे पहले इफ़ इफ़ नम इज़ लेस देन 100, मतलब कि यूज़र ने जो भी वैल्यू लिखी है अगर वो 100 से नीचे की है, मतलब 100 से कम है, तो भाई ये चीज़ प्रिंट कर दो। अच्छा, जब इफ़ की कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, दो वैल्यूज़ या दो अलग अलग वैल्यूज़ के अभी हम लोग कंपेरिजन करवा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि वो सबसे पहले कंपेयर करेगा कि भाई क्या नम की वैल्यू जो है, जो नम के अंदर वैल्यू स्टोर है, वो 100 से कम है या नहीं है। अगर 100 से कम है तो ये जो आप यहाँ पे पैरेंथेसिस देख रहे हो, ये और ये जो ब्लू मार्कर से शो हो रहे हैं, इसके बीच में जितनी भी कमांड्स लिखी हुई हैं, अभी फ़िलहाल मैंने एक लिखी है, आप एक से ज़्यादा 10, 15, 20 जितनी मर्जी लिख सकते हो, तो इस कमांड को रन कर देगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है। इफ़ नंबर इज़ लेस देन 100 देन डू दिस, एंड इफ नंबर इज़ ग्रेटर देन 100 देन डू दिस, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एंटर आ नंबर, सही है। सबसे पहले मैंने नंबर एंटर किया 52, 52 क्या है, 100 से लेस देन है, क्या आ रहा है, नंबर इज़ लेस देन 100। अब वो चेक करेगा कि भाई ये शुक्र अलहमदिल्ला, नंबर इज़ लेस देन 100, यस नंबर इज़ लेस देन 100, सो आवर आउटपुट इज़ दिस। नाउ लेट्स चेक दैट इफ अवर नंबर इज ग्रेटर देन 100 देन वॉट विल बी द रिजल्ट। 120, नंबर इज ग्रेटर देन 100, सबसे पहले जो है वो ये चेक करेगा भाई ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही, नंबर इज नॉट लेस देन 100, सो आई विल नॉट डू दिस, इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, लाइन नंबर 12। उसके अंदर इसको अलग कंडीशन मिलेगी कि इज द नंबर ग्रेटर देन 100, तो ये आ गया आपके पास जनाब, येस द नंबर इज ग्रेटर देन 100। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने दो बार इफ यूज़ किया है, इसके बजाय हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपल एल्स, ठीक है। अच्छा, सिंपल एल्स का मतलब क्या है कि भाई ये पहली कंडीशन है, इसके बजाय जो भी कंडीशन हो तुमने क्या काम करना है, ये वाला काम करना है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे वो चीज़ों को इस तरह से देख रहे होते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे अगर करूँ इंटर आ नंबर 120, नंबर इज़ ग्रेटर देन 100, क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन नहीं ट्रू हुई, मतलब कि भाई मैंने जाना है लेज लेने, लेज नहीं मिले तो फिर मैं कुछ और ले लूँगा, जो भी वो सेकेंडरी चीज़ है, सही। तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करता है। ये हमारे पास हो गया पहले पहली एग्जांपल। अब बात करते हैं दूसरी एग्जांपल, इस वाले कोड के अंदर क्या चीज़ है, इफ़ एल्स इफ। अब ये इफ़ और एल्स इफ का क्या चक्कर है, पहले हम लोगों ने देखा था इफ़ या एल्स, मतलब अगर ये नहीं है तो ये, इसके अंदर क्या होता है कि चीज़ें आपस में लिंक होती हैं कि अगर ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये नहीं है तो ये। उधर क्या था, उधर यह था कि बस अगर ये नहीं है तो ये कर दो बस। इधर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रायोरिटीज़ होती हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ़ हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग्स कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने एक कैलकुलेटर तरह का बनाया हुआ है, इसके अंदर क्या है, सबसे पहले यूज़र से जो है वो इनपुट मांगेगा कि भाई इंटर फर्स्ट नंबर,
यूजर ने फर्स्ट नंबर इनपुट करा वो जा करके स्टोर हो गया ए में, एंटर सेकंड नंबर, सेकंड नंबर जाकर स्टोर हो गया बी में, और ओ पी ई ऑपरेशन, जाहिर सी बात है हम लोग अगर कैलकुलेटर बना रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज होते हैं, ठीक है। तो उसका मैंने जो डेटा टाइप रखा है वो कैरेक्टर रखा है। कैरेक्टर इसलिए रखा है बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक चीज़ होगी, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा या तो मल्टीप्लाई या तो डिवीजन, इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने कंडीशन रखी है वो ये रखी है कि इफ़ ओ पी ई इज़ टू प्लस। अब ये प्लस को यहाँ पे इस तरह से इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक सिंगल कैरेक्टर को हम लोग यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं और ये कोई वेरिएबल नहीं है, सही है। इसलिए तो क्या हो गया, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर हमारे पास यूज़र प्लस लिखता है तो भाई सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, सी के अंदर दोनों नंबर्स का सम स्टोर कर दो और सी आउट द रिजल्ट इज, द रिजल्ट इज दिस, ठीक है। सिमिलरली अगर प्लस नहीं है तो फिर वो नीचे वाली चीज़ करेगा चेक, एल्स इफ ओ पी ई इज इक्वल्स टू माइनस, अगर माइनस है तो फिर वो ये काम कर देगा। इसी तरह से वो मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन के लिए चेक करेगा। और अगर हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इन चारों में से एक भी चीज़ एंटर नहीं करते, हम लोग कोई और ही जैसे कि डॉलर का सिंबल एंटर कर दिया, परसेंटेज का एंटर कर दिया, तो क्या होगा, एंटर्ड रॉन्ग ऑपरेशन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ये तो कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो अपना सॉरी हम लोग बार बार यहाँ पे इफ़ के बाद फिर से एक और इफ फिर एक और इफ लिखे हैं, हम लोग एल्स इफ नहीं लिखे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास जो रन टाइम होता है प्रोग्राम का वो ज़्यादा हो जाएगा, सही है। मतलब इफ़ पहले वो इस इफ़ को चेक करेगा, फिर वो इस वाले इफ़ को भी चेक करेगा, अगर यहाँ पे इफ़ लिखा होगा, अगर यहाँ इफ़ होगा तो वो इसको भी चेक करेगा। अब भले से यूज़र ने प्लस लिखा होगा वो नीचे वाली तमाम लाइन्स को चेक करेगा, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पर एल्स इफ यूज़ किया हुआ है इसलिए अगर हम लोग प्लस लिखेंगे तो वो नीचे वाली चीज़ों को चेक ही नहीं करेगा, सही है। तो ये सिर्फ एक प्रोग्रामिंग टैक्टिक्स आप इसको कह लो कि आप इस तरह से जो है अपने प्रोग्राम को और ज़्यादा ऑप्टिमाइज बना सकते हो बस। और इसका भी बिल्कुल सेम वही तरीका है कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और अगर कुछ भी नहीं तो भाई ये एल्स वाली चीज़ कर दो। अब मैं एल्स वाली चीज़ को इस तरह से ब्रैकेट्स में भी लिख सकता था लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस का कमांड होती है तो हम लोग उसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं। अब यहाँ पे इसका एक डेमो देख लो। अच्छा, यहाँ पे डॉट आ गया, सॉरी। अच्छा, सबसे पहले मैंने फर्स्ट नंबर एंटर करा 9, सेकंड नंबर 5, मुझे डिवीजन परफॉर्म करवानी है सो आई विल जस्ट पुट दिस, और 9/5 इज इक्वल्स टू 1.8, सही है। और इसी तरह से अगर मैं दो नंबर इनपुट करता हूँ और फिर कोई और सा मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने परसेंटेज डाल दिया तो क्या हो गया, एंटर रॉन्ग ऑपरेशन। तो इस तरह से आप जो वो नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ और ये सब चीज़ें भी सीख सकते हो, लेकिन वो बस वही सब बात है कि भाई इंसान के शौक के ऊपर डिपेंड करता है और ज़्यादातर लोगों को प्रोग्रामिंग का शौक होता नहीं है, तो आप लोग बस इतना ही रखो, बाकी सब चीज़ें आपके इतने काम की फिर नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।